आज अभी मैं बात करने वाला हूँ हेयर कर्लर या हेयर टोंग के बारे में, जो कि बहुत ज़रूरी है हमारी हेयर स्टाइलिंग के अंदर। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है हेयर टोंग या हेयर कर्लर का। इसको आप हेयर टोंग भी बोलते हो और कर्लर भी बोलते हो, ओके? तो ये कौन कौन से ब्रांड में आते हैं हेयर टोंग एंड हेयर कर्लर? बहुत सारे ब्रांड में आते हैं। कुछ मेरे फेवरेट हैं, उनमें से मैं आपको दिखा दूंगा। और कुछ ब्रांड मैं इंडिया में यूज़ करता था, वो मेरे फेवरेट है। कुछ मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ, वो मेरे फेवरेट है। तो दोनों के बारे में बताऊँगा। दोनों अच्छे ब्रांड हैं और मस्ट हैव, ज़रूरी होना ज़रूरी है ये हमारे पास। इसमें अलग अलग साइजेस आते हैं, आज हम साइजेस के बारे में भी बात करेंगे। तो जल्दी से जुड़ जाइए हमारे साथ। आज का जो टॉपिक है वो है हेयर टोंग और हेयर कर्लर के बारे में, ठीक है? तो शुरू करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास, जो इंडिया में मैं यूज़ करता था, आइकॉनिक। दूसरा ब्रांड है मेरे पास एलन ट्रूमैन। तीसरा ब्रांड है मेरे पास हॉट टूल्स, जो कि यूएस में मिलता है, ठीक है? उसके बाद है जीएचडी, जो कि यूएस में मिलता है। ये दोनों इंडियन ब्रांड हैं, ये दोनों यूएस में मिलते हैं। अभी सबसे पहले आइकॉनिक की बात करें तो इसमें कौन कौन से साइजेस आते हैं, साथ साथ में मैं आपको इनके साइजेस के बारे में भी बताऊंगा। इसमें आता है 16 mm, फिर आता है 22 mm, फिर आता है 25 mm, फिर आता है 28 mm, और फिर आता है 38 mm। जो आपको लेने हैं वो आप कौन कौन से ले सकते हो। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये वाला, जो कि है 22 mm। ये बहुत ज़रूरी है आपके पास होना 22 mm का। आप ले सकते हो 28 mm एंड 38 mm, 38 mm। ये सबसे छोटा आ जाता है तो इसमें थोड़ी मुश्किल हो सकती है आपको यूज़ करने में। बेस्ट मैं ज़्यादातर यही यूज़ करता हूँ, मेरे पास यही है। 28 भी है, 38 भी है मेरे पास, बट मैं ये यूज़ करता हूँ। बेस्ट हेयर स्टाइलिंग हेयर टोंग कर्लर टूल जो आपके पास होना ज़रूरी है, आइकॉनिक का 22 mm। अभी ये आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हो, ऑफलाइन भी खरीद सकते हो, जहाँ पर आपको सस्ता मिले वहां से आप बाय कर सकते हो। इसके बाद आता है, यहां पे एक और ब्रांड लिखना भूल गया मैं, जो था डायसन। मैं वही सोच रहा था, एक ब्रांड भूल गया हूं। ये कोर्डलेस है सबसे बड़ी बात, सॉरी ये कोर्डलेस नहीं है, इसका कोर्डलेस सिर्फ आयरन आता है, ये कोर्डलेस नहीं है। इसमें एक्सटेंशन बहुत अच्छी आती हैं, मेरी फेवरेट एक्सटेंशन है ये, फेवरेट में आता है ये, फेवरेट में आता है, सारे ही फेवरेट हैं, सारे ही फेवरेट हैं। सॉरी, कोई ऐसा पर्टिकुलर नाम नहीं है किसी का, क्योंकि मैंने सारे ही यूज़ किए हैं, सब बेस्ट हैं अभी तक। अभी इसके बाद अगर आपको इनके लिंक भी चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप खरीद सकते हैं आराम से, ओके? इसका जो कोड है वो 360 है। एक तो कोड बहुत लंबा है, इन सब का बहुत लंबा कोड मिलता है सबके साथ। और साथ में इनका जो रोटेशन है, जब आप ड्रायर की तरह फिक्स कोड नहीं आता है, 360 मूवेबल आता है। कैसे, मैं आपको दिखा देता हूँ। मान लो ये मेरे पास ड्रायर है, तो यहाँ पे जो कोड इसका निकलता है इस तरीके से, तो ये मूव नहीं होता है, ठीक है? तो जो हमारे पास ये मूव नहीं होता यहाँ से, राइट, वो जो मैं टोंग की बात कर रहा हूँ वो मूव होता है 360 पे, यस, इसलिए वो थोड़ा
थोड़ा अलग है और डिफरेंट है। तो मैं मूव की बात कर रहा था, तो मूव का मतलब है जैसे ये है हॉट टूल्स, ये घूमता है, कहीं भी रुकेगा नहीं। जब भी आप कोई भी कर्ल कर रहे हो तो ये घूमता रहेगा, ये रुकेगा नहीं, कहीं भी घुमा सकते हो आप किसी भी साइड। तो ये एक इसका बेस्ट बेनिफिट है। अगर आप कोई भी ब्रांड का कर्लर लेते हो सबसे पहले ये देखें। दूसरा इसका सेरामिक, जो कि पेंट बोल सकते हो या सेरामिक कोटिंग है, वो देखें कि कितनी अच्छी है। अगर सेरामिक कोटिंग अच्छी होगी तो अगर आप स्प्रे करके भी कर्ल कर रहे हो या रोड पे टोंग सेटिंग कर रहे हो तो आपकी सेरामिक कोटिंग खराब नहीं होगी। तो सबसे ज़रूरी है इसका सेरामिक पेंट या सेरामिक कोटिंग देखें कितना अच्छा है, तब जाके खरीदें। तो मेरे पास ये है हॉट टूल्स का, इसमें यहाँ पे अलग अलग डिग्री दी हुई है, जैसे 280, 345, 400 एंड 455। ये सेल्सियस में नहीं है, ये फ़ारेनहाइट में है, तो इसलिए ये ज़्यादा दिखाई देगा आपको। ओके, अभी दूसरा हम बात कर लेते हैं। दूसरा हमारे पास है एलन ट्रूमैन का। एलन ट्रूमैन में भी अलग अलग साइजेस आते हैं, मैंने कुछ साइजेस आपके लिए लिखे हुए हैं। इसमें भी जैसे शुरू हो जाता है, जैसे इसमें 19 mm है, फिर 22 mm है, बेस्ट जो है वो आपको मैं बताऊंगा अभी, फिर 28 mm है, फिर 38 mm है और 25 mm भी है, सेम वही, सॉरी यहाँ पे 25 लिख देता हूँ, यहाँ पे 28 लिख देता हूँ और 38 mm भी है। तो इन सब में मैंने जैसे बताया सबसे बेस्ट जो साइज़ है वो है 22 mm। ये आपके पास होनी ही चाहिए किसी भी हाल में। फिर उसके बाद आप ये दोनों ले सकते हो, ये साइज़ में बहुत बढ़िया है। बट आप जैसे ही वेलक्रो रोलर सेटिंग करते हो, ठीक है, या आप रोलर सेटिंग करते हो तो उसकी जगह पे ये यूज़ कर सकते हो आप। बहुत अच्छा वॉल्यूम मिलता है, फ्रंट पे साइड में आपको करना है, वॉल्यूम देना है, हाइट पोनीटेल करना है, तो ये वॉल्यूम के लिए बेस्ट है 38 mm। ओके, हॉट टूल्स में मेरे पास जो है मैं 22 mm यूज़ करता हूँ हमेशा। हॉट टूल्स में मेरे पास 22 mm है, मैंने बताया जैसे कि मेरी फेवरेट है 22 mm। GHD में भी आती हैं, आप 22 mm ही यूज़ करें। इसका टेम्परेचर अलग अलग होता है सब में, आपको टेम्परेचर फिक्स रखना है, उसके बारे में भी आऊँगा। डायसन में भी आती है, इसको बोलते हैं एयर रैप। ओके, इसके साथ ही एक्सटेंशन मिलती हैं। तो सबसे पहले आपको मैं दिखा देता हूँ आइकॉनिक की कैसी दिखती हैं। आप ये फोटोज़ में देख सकते हो, ये आइकॉनिक की, एंड देन हम आएंगे एलन ट्रूमैन पे। इसके भी एलन ट्रूमैन में भी इस तरीके के अलग अलग साइजेस मिल जाएंगे, आप कोई भी बाय कर सकते हो ऑनलाइन ऑफलाइन। तो ये है एलन ट्रूमैन की। देन उसके बाद हॉट टूल्स, जो कि मैंने अभी दिखाई, मैं यूज़ कर रहा हूँ खुद, ये है हॉट टूल, ठीक है, 22 mm साइज, बहुत अच्छा इसका जो पकड़ है बहुत अच्छी है। देन उसके बाद यहाँ पे पकड़ने के लिए आगे प्लास्टिक है, जिससे आप अच्छे से दोनों तरफ से होल्ड कर सकते हो इस टोंग सेटिंग को। और यहाँ पे टेम्परेचर का दिया हुआ है, इस तरीके से टेम्परेचर कितना रखना चाहिए, ये ऑन एंड ऑफ का है। हॉट टूल्स प्रोफेशनल ब्रांड है, कोड बहुत लंबा है, जितना बोलूँ उतना कम है, बहुत लंबा कोड है, आप यूज़ कर सकते हो आराम से कहीं भी ले जाके, कहीं दूर अगर आपका कोड का एरिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर उसके बाद आ जाता है GHD, वो भी मैं यहाँ पे आपको शो कर दूंगा, दिखा दूंगा। ये GHD का फोटोज़ हैं, आप जाके बाय कर सकते हो ऑनलाइन ऑफलाइन। ये अमेरिका में मिलती है, कनाडा में मिलती है, हॉट टूल्स भी अमेरिका कनाडा में मिलती है। डायसन दोनों जगह पे मिलता है, इंडिया में भी और अमेरिका में भी। ये डायसन एयर रैप है और इस फोटोज से आप जाके बाय भी कर सकते हो, देख भी सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं, आप खरीद सकते हो आराम से। और आज का जो टॉपिक था हमारा था हेयर टोंग सेटिंग के बारे में।
आपको सबसे पहले तो आप लोग मुझे बताओ कि आज का जो टॉपिक है वो कैसा लगा, आपको कुछ इसमें नॉलेज मिला, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अभी के अभी जाएं और नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसको ज़रूर दबाएं, एंड हमारे कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उसको ज़रूर फॉलो करें, जैसे कि इंस्टाग्राम, इसको ज़रूर फॉलो करें, ये आप लोगों के लिए ही बनाया है, इस पर बहुत सारे टॉपिक्स मैं डालता रहता हूँ, हेयर टिप्स डालता रहता हूँ, देन इसके बाद जो अपकमिंग कोर्सेज हैं उसके बारे में बताता रहता हूँ। हमारा एक नया अपकमिंग कोर्स आ रहा है जिसका नाम है हेयर एक्सटेंशन, उसके अंदर मैं काफ़ी सारी चीज़ें सिखा रहा हूँ अलग अलग। हेयर एक्सटेंशन काफ़ी तरह की होती है, जैसे लिंक इन हेयर एक्सटेंशन, आई लिंक बोलते हैं, फिर केरा हेयर एक्सटेंशन बोलते हैं, फिर टेप इन हेयर एक्सटेंशन बोलते हैं, देन उसके बाद जो फोर्थ आती है फिर उसको बोलते हैं स्यू इन हेयर एक्सटेंशन, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट फिफ्थ जो हेयर एक्सटेंशन है उसको बोलते हैं क्लिप इन हेयर एक्सटेंशन। तो ये सारी हेयर एक्सटेंशन मैं सिखाने वाला हूँ, इसमें से कुछ परमानेंट हेयर एक्सटेंशन है, कुछ कुछ महीने तक चलती हैं, अलग अलग हैं। आप जो भी सीखना चाहो मुझे ज़रूर ये नीचे दिए गए मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट करें और मुझे बताएं अगर आप इंटरेस्टेड हो। मैं व्हाट्सएप पे हमेशा अवेलेबल हूँ, इसी नंबर पे आप जाके मुझे कॉल मैसेज कर सकते हो और डिटेल पूछ सकते हो जो भी अपकमिंग पेड कोर्सेज हैं उसके बारे में। ओके, तो आज के लिए इतना ही, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें ज़रूर, और आपके क्या टॉपिक्स हैं, आप क्या सीखना चाहते हैं अपकमिंग वीडियोज़ में उसके बारे में बताएं, तो मैं ज़रूर शेयर करूँगा कुछ वीडियोज़। और अभी हमारा हेयर स्टाइलिंग का कोर्स चल रहा है, जैसे कि आप देख रहे हो हेयर सोल्यूशन हमारा चैनल है, हेयर स्टाइलिंग के बारे में सिखा रहा हूँ, तो आज हमारा फोर्थ डे था, फोर्थ वीडियो है, पहली हमने बताई जिसमें हमने बताया कि प्री स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स क्या हैं, फिर ड्यूरिंग स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स क्या हैं, फिर हेयर ड्रायर के बारे में बताया, अभी हम बता रहे हैं हेयर टोंग और कर्लर के बारे में, फिर आएगा हेयर आइनिंग के बारे में, देन क्रिम्पर के बारे में, फिर स्प्रेज जो हम यूज़ करते हैं वो सारी चीज़ें, फिर हम हेयर स्टाइलिंग के बारे में शुरू करेंगे मैनुअली डमी के ऊपर कि हम कैसे बनाते हैं, क्रिम्पिंग करके बताऊंगा, हेयर स्टाइल करके बताऊंगा, हेयर डू करके बताऊंगा, कर्ल्स करके बताऊँ, एवरीथिंग प्रॉपर, ये एक सीरीज चलने वाली है। अगर आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे तो बहुत सारी नई वीडियोज़ आएंगी। ओके, तो यहाँ पर नीचे चल रहे हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को ज़रूर फॉलो करें, सबसे पहले इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल का आइकन दबाएं। बेल का आइकन दबाने से आपको हमारा जो भी अपकमिंग वीडियो आएगा उसका मैसेज आपके मोबाइल पे आ जाया करेगा। आज के लिए इतना ही, और वीडियो जानने के लिए ज्वाइन करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, एन्जॉय।